ऑरविल एक एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्सल टाउनशिप है विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मोस्टली तमिलनाडु में आता है, कुछ पार्ट उसका पुडुचेरी में भी पड़ता है। साल 2018 में इस जगह को बने हुए 50 साल हो गए थे, तब यहाँ पर पीएम मोदी गए और उन्होंने इस जगह को डिस्क्राइब करा एज अ ब्यूटिफुल, काम एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी। इस जगह को सिटी ऑफ डॉन भी कहा जाता है। और खास बात इस जगह की ये है कि इस जगह पर कोई पॉलिटिक्स, कोई रिलीजन, इन सब चीज़ों से दूर ये एक यूनिवर्सल टाउनशिप है जहाँ पर अलग अलग दुनिया के तमाम सारे लोग आकर बसते हैं। और ये एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप इसलिए है क्योंकि इस तरह का एक्सपेरिमेंट अभी तक कहीं और नहीं किया गया है। और ये एक्सपेरिमेंट दरअसल एक स्पिरिचुअल कोलैबोरेशन था अरबिंदो और मिर्रा अल्फासा के बीच में। अरबिंदो तो एक नेशनलिस्ट थे, पोएट थे, एक योगी थे, योग पुरुष थे, है ना। और जो मिर्रा अल्फासा है वो एक फ्रेंच वुमेन थी जिन्हें यहाँ पर अब दी मदर कहा जाता है। तो हुआ ये कि 1914 का समय था भाई है, और पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो सर अरबिंदो उनके जेल नहीं जाना चाहते थे, तो वो उनसे बच रहे थे और वो पुडुचेरी पहुँच गए जहाँ पर फ्रेंच कॉलोनी थी। और पुडुचेरी पहुँच कर वो मीरा से मिले। अब सर अरबिंदो और मीरा ने मिलकर एक नई जगह की परिकल्पना करी जहाँ पर कोई पॉलिटिक्स, कोई रिलीजन, इस तरह की वॉर और कुछ भी ना हो। मगर अनफॉर्चुनेटली सर अरबिंदो की डेथ हो गई 1950s में, लेकिन मीरा ने कहा कि मैं इस जगह को बनाऊंगी। और उन्होंने रोजर एंगर नाम के एक आर्किटेक्ट से बात करी और अगले 18 साल में इस पूरी जगह का निर्माण किया। और इसीलिए इन्हें दी मदर भी कहा जाता है। और ये जगह कैसे चलेगी, इसके क्या रूल्स होंगे, वो सर अरबिंदो की कुछ कुछ फिलॉसफी से और कुछ मीरा की फिलॉसफी से मिलकर बने, इसीलिए इसे ऑरोविल कहा जाता है। आप इसकी कहीं पर भी इमेजेस सर्च करोगे ना तो आपको ये वाली इमेज बहुत दिखाई देगी। ये जो बीच में चीज़ बनी हुई है ना, इसे कहते हैं मैत्री मंदिर। ये बनने में कुल 37 साल लगे थे और यहाँ पर कुल 1415 बड़े बड़े ये गोल्ड प्लेटेड पेटल्स बने हुए हैं। कुछ लोग इसे देखकर कह सकते हैं तो गोल्फ बॉल है, बट अगर आप ध्यान से देखो सो इट्स अ लोटस इन फुल ब्लूम। और ये ब्यूटीफुल सा टेम्पल है, बट इसके अंदर आपको कैमरा वगैरह ले जाने नहीं मिलता, बट ये बाहर से देखने में इतना सुंदर है, आई एम श्योर अंदर से तो इससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। अच्छा, इस जगह की जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल अलग तरह की है। दी मदर ने बोला था कि इस जगह को बनाया गया है टू रियलाइज ह्यूमन यूनिटी। और ये कहते हैं कि एक यूनिवर्सल टाउन होना चाहता है जहाँ पर मैन एंड वुमेन हर जगह से आकर बस सके, कोई रिलीजन ना हो, कोई पॉलिटिक्स ना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो जो डिवाइड करे, और एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट हो सके। अभी बताते हैं, यहाँ पर कुल 2700 लोग रहते हैं 50 देशों से, मगर मीरा ने तकरीबन इसे 50,000 लोगों के रहने जैसा टाउन बनाया था जब इसकी निर्माण इन्होंने किया था। तो अभी भी और ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि ऑरो बीच है, मैत्री मंदिर मैंने आपको बताया ही, प्लस इनका बोटैनिकल गार्डन है। और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल। एक दो वीडियोज़ मैंने जो देखे उसमें पता चला कि हर एक इंसान को, चाहे आप वहाँ पर डॉक्टर हैं या आप वहाँ पर स्वीपर हैं, आपको 1200 रुपये ही मिलेंगे, और उसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका फूड, आपका क्लोथिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर ये मिलकर ही करते हैं, प्लस जो भी फंडिंग वगैरह आती है ना, यूनेस्को, यूएन वगैरह से भी फंडिंग आती है, क्योंकि एक अपने आप में एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है, एक अलग तरह का। और यहाँ की सस्टेनेबल लिविंग एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जहाँ पर ये किसी भी एनवायरनमेंट की चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाते, सोलर एनर्जी वगैरह से अपना खाना कुक करते हैं, तो वो भी एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है। जैसे जाते जाते यहाँ का एक ड्रोन शॉट आपको दिखाता हूँ। डोंट यू थिंक इट लुक्स लाइक आई ऑफ एन हरिकेन? सिम्बॉलिक है ना, एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट है, एंड इट लुक्स लाइक एन हरिकेन, अ हरिकेन ऑफ चेंज प्रॉब्ली। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, लाइक करो, और अगले वीक इंतजार करना फ्राइडे को एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।